हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो पर मेरे पास है एक ख़राब हेडफोन और ये ब्लूटूथ वाला है, तो इस पर हमें काफ़ी सारे सर्किट देने मिल जाएंगे। इस पर एक छोटा सा बैटरी भी लगा होता है जो हमारे आगे वाले प्रोजेक्ट्स पर हमें काम आ जाएगा। तो ये एक भाई का था जो इसे छोड़ कर चला गया है, तो अब मैं आपको इसे दिखाऊँगा, इससे इस पर क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर एक हमें हेडफोन देखने को मिल जाता है, इस पर हमें छोटा सा स्पीकर भी देखने को मिलेगा और इस स्पीकर का काम तो ज़्यादा हमें नहीं होता है। तो अगर कोई ख़राब हेडफोन जब आएगा रिपेयर के लिए तो मैं उस पर ये लगा दूंगा। और बात करें इसके किट्स की, तो वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर खोलने की कोशिश करूँ तो मैं आपको खोल के यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉक को तोड़ दिया है और इस लॉक को तोड़ने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका पूरा सर्किट, और ये आगे तक भी मुझे लगता है तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि लॉक इसका ओपन नहीं हो रहा है। तो ये मैंने लॉक को पूरा तोड़ दिया। अभी आप देखो, इस पर हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, बस एक यहाँ पर छोटा सा सर्किट लगा हुआ है और ये बाकी प्लास्टिक है। और हमें यहाँ पर चेक भी करना पड़ेगा ये ख़राब है या ठीक है, वो मुझे नहीं पता है। ये दूसरा है एयरफोन वाला जैक है जिस पर हमारा हेडफोन लगा हुआ था। यहाँ पर एक और यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस पर हमें चार वायर देखने को मिल रहा है। अब ये चार वायर कहाँ पर आए, तो ये यहाँ पर आया होगा क्योंकि यहीं पर बैटरी लगी हुई है। इस साइड में बैटरी नहीं है तो सीधा है कि हमें इस साइड पर हमें देखने को मिलेगा बैटरी। तो चलिए, इसे मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था, बैटरी हमें इस साइड पर देखने को मिल जाएगी। तो ये है इसका बैटरी, और मैं आपको बताता हूँ इसका जो ये कवर है, हम इसे भी यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर हमें इसका जो ये नोजल है या इसका बटन आप बोल सकते हो, ये हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब बैटरी हमारी कितनी एमएच की लगी हुई है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डी सोल्डरिंग से डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है जिससे वायर जो है वो खींचने पर ये टूटेगा नहीं। बैटरी कितनी एमएच की है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा। 200 mAh 3.7 वोल्ट की है, और यह है लिपो बैटरी। इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया गया है इसलिए यहाँ पर यह डायरेक्ट चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, इससे हमें लेने पर कितना फ़ायदा है वो आपको मैं बताता हूँ। इस पर हमें SD कार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही ये ब्लूटूथ तो है ही, और चाहो तो आप इस पर अलग से स्विचेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जितने पॉइंट्स दिए गए इन सभी का आप डिसोल्डर करके आप इसे सोल्डर कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मैं खोल के हटा लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने क्या किया है, जितने भी जो काम के नहीं थे उसे मैंने साइड में रख लिया है, और जो हमारे काम्स के हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्पोनेंट हमारे निकले जो हमें इसे आगे वाले प्रोजेक्ट्स पर हम यूज कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर मतलब इस वीडियो पर आपको देखने को मिल रहा है, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज भी हो कि आखिर मैं दिखा आपको क्या रहा हूँ, तो आपके पास में मैं समझाऊँ। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे अनबॉक्स किया है, या सीधा समझो कि इसे मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से सभी सामानों को खोल के मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये मैंने पूरा इसका पार्ट जो है वो मैंने खोल लिया है। अब हमें इसे चेक भी करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर क्या क्या निकाला है वो मैं आपको तुरंत से बता देता हूँ। तो इसका लुक कुछ ऐसा है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और पीछे की तरफ से हम बात करें तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसका बटन्स दिखता है, और यहाँ पर हम जो इसकी जो वायरिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो पिन्स आप देख रहे हो, यहाँ पर सभी पहले से लिखे गए हैं। ये B- ये B+ है। यहाँ पर लेफ्ट चैनल का स्पीकर का लगेगा, इस पर राइट चैनल का स्पीकर का लग जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हो, यहाँ पर आप ये पैरेलल कनेक्शन का एक सर्किट मिल जाता है जिसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो बैटरी इसकी जो टर्मिनल है वो कुछ इस तरीके से है, और अगर हम इसे डायरेक्ट सोल्डर करते हैं तो ये पिन टूट भी सकती है, और पिन जब टूट जाएगी तो हमारी ये बैटरी कोई काम की नहीं रहने वाली है। तो जिसे हमें यहाँ पर जंपर वायर के हिसाब से कनेक्ट करके डायरेक्ट से कनेक्ट कर देना पड़ेगा, और जो स्विचेस है वो इस पर पहले से दिए गए, तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, और आप चाहो तो इसे भी यहाँ पर फेविक्विक से इसे डायरेक्ट चिपका भी सकते हो। तो चलिए गाइस, अब इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इसे बैटरी वाले पॉइंट पर सोल्डर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक LED का छोटा सा पीस जो है, वायर जो है, उसे मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। अब इसके आगे पर हम छोटा सा टर्मिनल जो है उसे हम लगा सकते हैं। ये छुटकू सा जो टर्मिनल है ये भी यहाँ पर लग चुका है। अब बैटरी को हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है।
तो जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट हमारी प्लस है और ये वाली पॉइंट हमारी माइनस है। तो बैटरी का डायरेक्ट प्लस और माइनस देखते हुए हम कनेक्ट करेंगे, ये साइड बैटरी का प्लस है और ये साइड बैटरी का माइनस है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से सोल्डर कर देंगे। अभी हमारा ये ब्लूटूथ का जो पैनल है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इसे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसका पावर बटन कौन सा है, तो मैं इसे यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखिए, अगर ये कुछ इस तरीके से लगा होगा तो ये हमारा पावर सप्लाई का होगा और यहाँ पर ये पावर सप्लाई ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे प्रेस करता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो यहाँ पर साफ समय में देखने को मिल रहा है जो हमारी जो सर्किट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये मैं लाइट्स को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइट्स बंद करूँगा मैं क्लियर आपको दिखा सकता हूँ। ये नहीं, अभी यहाँ पर ये चलने लगा है, मतलब हमारा जो ब्लूटूथ है वो यहाँ पर पेयरिंग अभी नहीं है। और मैं यहाँ पर सॉरी गाइस, कॉल आने की वजह से वीडियो जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका था। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें पूरा देखने को मिल रहा है कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन आपको टेस्टिंग इस वाले वीडियो पर नहीं मिलेगा। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उस पर आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पर ये सक्सेसफुली काम कर रहा है और आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हो और बैटरी चार्ज है या नहीं है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और ये सक्सेसफुली यहाँ पर ये बन चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।